ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने एक से लेकर छह मूल अंक तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूल अंक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 7, 7, 16 और 25 जन्म तारीख के लिए नए लोगों और तकनीक से सावधान रहें। लोहे से नुकसान हो सकता है, चोट भी आ सकती है, गुस्सा करना नुकसानदायक रहेगा। स्लेटी जो रंग है मूलांक 7 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का उठा पटक का अंक है। 8, 17 और 26 ये जन्म तारीख है उनके लिए। आज सुबह से ही थोड़ी बेचैनी और सुस्ती महसूस होगी। लगभग हर काम पर ध्यान देने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। मानसिक संतुलन अपने काम में पूरा बनाए रखिएगा। शुभ रंग की अगर बात है, काला जो रंग है मूलांक 8 वालों के लिए आज विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। काले रंग की जैकेट पहनिए, वो और भी शुभ रहेगी। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 ये जो अंक है मूलांक 9 वालों के लिए जन्म तारीख है। नौकरी, पैसा और व्यापार वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। सावधान रहिएगा, कोई गलत काम न करें। जो भी करें सोच समझ के करें, शांत चित्त से करें। शुभ रंग की जहां तक बात है, पीला जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक रहेगा मूलांक 9 के। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी हैं अलवर से, जो कि अपने पुत्र रजत के लिए जानना चाहती हैं। रजत की जन्म की तारीख है 5/5/1993। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी, लक्ष्मी जी अपना सवाल कीजिए। इसकी सर्विस के बारे में पूछना था। जी लक्ष्मी जी, आपके पुत्र रजत की जन्म तारीख है 5 का अंक। अगर ये वाणिज्य और कॉमर्स के फील्ड से है तो नौकरी लगने के 2016 में प्रबल योग है। और ये अन्य किसी दूसरे फील्ड से, दूसरे क्षेत्र से है तो कैलेंडर वर्ष 2018 जो रहेगा और 19 वो नौकरी के लिए पर्याप्त है। और बात करें मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक है। किसी भी गणेश मंदिर में इसके लिए दर्शन करना बहुत लाभदायक सिद्ध रहेगा। शारीरिक जो रोग है उनसे इनको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य का आप अपने पुत्र का विशेष ध्यान रखें। नौकरी तो निश्चित रूप से इसके लग ही जाएगी। 5 अंक बुध का इसको खाली नहीं बैठने देगा, ये अपने जीवन में सफल रहेगा। स्वास्थ्य इसके चिंता का विषय है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो सीधा मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले। घरेलू उपचार न कीजिएगा, वो घरेलू उपचार इसके रोग को बढ़ा सकता है। बैठे बिठाए किसी मुसीबत को आमंत्रण दे सकता है। कैलाश जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी हैं बीकानेर से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी पूजा जी, आपके भाई ओम प्रकाश की जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। उसका नाम ओम प्रकाश है। 30 मार्च और 1978 जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करके। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पूजा जी, मुझे मेरे दोनों भाइयों के बारे में पूछना है। एक तो बड़े भाई का नाम है ओम प्रकाश, 23 मार्च 1978 जी। आपके दूसरे भाई का नाम बताइए और जन्म की तारीख बताइए पूजा जी, जल्दी से। चेतन, और 6 अप्रैल 1900। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं पूजा जी? पूजा जी अपना सवाल पूछिए। मैं दोनों भाइयों का काम नहीं हो रहा और ना उनकी शादी और के बारे में पूछना है। छोटे वाले का तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। पूजा जी, आपके भाई के जन्म की तारीख 23, बड़े वाले जो ओम प्रकाश जी हैं, 2 और 3, 5 का अंक बुध का रहता है। भगवान श्री गणेश मंदिर में एक बार अंगी करवा दीजिए, गणेश मंदिर में सवा मनी करवा दीजिए। आज श्रद्धा अनुसार जैसा भोग प्रसाद रहता है वो चढ़ा दीजिए। और इनको कहिए कि गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए। काला रंग अगर ये पहनेंगे उतना ही नुकसान रहेगा।
सफेद रंग का पुखराज अगर ये पहनते हैं तो विशेष रूप से इनको लाभ रहेगा शादी के मोर्चे पे भी और व्यापार के मोर्चे के ऊपर भी। और आपके जो छोटे भाई हैं चेतन, उनके जन्म तारीख आपने 15/6 कांक शुक्र का बताया। शुक्र प्रधान व्यक्ति वैसे तो जीवन में निश्चित रूप से सफल रहते ही हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं इनको कोई काम धंधा सेट नहीं बैठ रहा। शुक्र इनका पीड़ित है, किसी स्त्री का अपमान इनके मुख से हुआ है, चाहे वो कारण हो चाहे अनाकारण हो, इसलिए किसी भी देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान। और चूंकि कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, 9 दुर्गाओं के नवरात्राओं में 9 के 9 दिन श्रृंगार का सामान अपने छोटे भाई को कहिए, किसी देवी मंदिर में चढ़ा गए, श्रृंगार में चूड़ी हुई या टिक्की हुई, कुछ भी जो देवी के श्रृंगार का सामान होता है वो आप चढ़ाइए। आपको विशेष रूप से भाई को काम के अंदर भी लाभ रहेगा और शादी संबंधित भी काम बन जाएगा। हाँ जी, कैलाश जी आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रों का समय आने वाला है, तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या जो कि बहुत समय से चली आ रही हो, उसका अगर निवारण करना चाहता है कोई, तो कैसे कर सकता है? दोस्तों, अगर आपको बहुत पुरानी समस्या चल रही है या घर में कोई पुराना कष्ट चल रहा है और अपने अपनी श्रद्धा अनुसार बहुत सारे दान पुण्य या जो भी पराक्रम संबंधित ज्योतिष उपचार किए और आज तक अगर आपको सफलता नहीं मिली है, तो गौर से सुनिएगा। नवरात्रा जो चैत्र के नवरात्र, 9 के 9 दिन देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान मार्केट में आजकल अवेलेबल मिल जाता है, हमें खरीदने की इतनी आवश्यकता नहीं कि अलग अलग शॉप पे जाके खरीदे, पूरा सेट मिलता है। देवी के जो श्रृंगार के सामान होते हैं 9 के 9 दिन किसी एक देवी में, ऐसा नहीं कि आज आपने यहाँ चढ़ाए किसी मंदिर में और परसों किसी और मंदिर में चढ़ाएं, एक मंदिर चुन लीजिए और 9 के 9 दिन देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए और अकेले जाइएगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान, आप मंदिर जा रहे हैं किसी पाठशाला में या किसी पार्टी में नहीं जा रहे कि आप कार भर के लेके जा रहे हैं, मंदिर में सदैव अकेले ले जाना चाहिए और मन साफ करते हुए पवित्र आत्मा के साथ जाना चाहिए, उससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण रहेगी और जो कष्ट जो बरसों से आपको सता रहा है वो खत्म हो जाएगा। कैलाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो किस तरह कर सकता है, क्या पूरा प्रोसेस होगा, वो जानना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, साधना का एक लाइन में जवाब देना तो बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप कोई सिद्धि या साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास जो भी विद्वान व्यक्ति है जो देवी उपासक हो, उनसे सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। बिना गुरु के साधना नहीं की जा सकती। फिर भी आपको लगे कि नहीं, हम कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे निश्चित रूप से आपके औरे में बढ़ोतरी हो, तो 9 के 9 दिन दुर्गा शब्द सती के पाठ आप कर सकते हैं। अगर आपका संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं है तो हिंदी के अंदर भी आप कर सकते हैं, वो भी उतना ही पावरफुल और लाभदायक सिद्ध होता है जितना संस्कृत का होता है। ये भेदभाव नहीं कि संस्कृत में अच्छा ज्ञान मिलता है और हिंदी में नहीं मिलता, वो सिर्फ भाषा की मर्यादाएं हैं, दोनों का अर्थ और तात्पर्य एक ही है। तो 9 के 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करना हर जातक विशेष, चाहे महिला हो या पुरुष या बच्चा, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। जी दर्शकों, कल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, नवरात्रों संबंधित ये गुड लक टिप्स आप जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत लाभ रहेगा। नवरात्रा को माता रानी की पूजा के बाद एक ऐसा मंत्र मैं आपको जाप करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका जाप करने से सारे कष्टों की मुक्ति रहेगी और सुख शांति रहेगी। गौर से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्य मत्स प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप आप 9 दिन देवी कृपा से करते हैं, स्फटिक की माला जो कांच के मनकों की जो माला रहती है, स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कैलाश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार। नवरात्रा के 9 दिन आपके लिए भरपूर शुभ रहे और इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले सोमवार को। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।